हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखें, ये मेरा क्लाइंबिंग रोज है। ये देखें, ये मेरा क्लाइंबिंग रोज है। देखें, अभी बहुत सारे खिल रहे हैं। इसका खिलने का यही मौसम है, ये गर्मी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो मेरे पास चार क्वालिटी में, चार तरह का मेरे पास क्लाइंबिंग रोज है। देखें तो एक तो ये पर्पल है, देखें ये मेरा पर्पल है, और एक मेरे पास वाइट का, मेरे पास दो है। ये देखें, एक तो ये है, ये गुच्छे में खिलते हैं। देखिए अभी इसके कली बने हुए हैं अगल बगल से। और एक दूसरा प्लांट है, ये मदर प्लांट है मेरा, और इसे मैं जो कटिंग से लगाई हुई हूँ, इसका मेरे पास एक और प्लांट है। देखें, ये देखें तो ये गुच्छे में खिलते हैं क्लाइंबिंग। मैं इसे अभी सारे को थोड़ा प्रून कर दी हूँ, इस मौसम में थोड़ा प्रून कर देती हूँ गर्मी के मौसम में। ये मेरे पास 2 साल पुराने प्लांट हैं, और एक मेरे पास ये येल्लो हैं। तो येल्लो में भी एक कली अभी है, देखें ये कली अभी बन रहा है, ये येल्लो है। और एक वाइट मेरे पास इस टाइप में है, जैसे कि ये तो गुच्छे में नहीं खिलते हैं, लेकिन कली इसके अगल बगल में रहते हैं। ये पूरे पूरे देखें, छोटे छोटे और पूरे पत्ती टाइप में खिलते हैं, देखें। और ये जो आपको बताए हैं, ये बहुत घने गुच्छे में खिलते हैं। देखें, इसके फ्लावर में भी बहुत सारे पंखुड़ी रहते हैं। तो ये पर्पल हो गया, ये एक ये वाइट हो गया गुच्छे वाला, और एक ये सिंगल वाला। तो देखें, ये है मेरे पास। तो ये तो बहुत लंबे होते हैं, आप इसे चाहें तो ज़मीन में लगाएं तो ये पूरे आपका बाउंड्री कवर कर लेंगे, छत तक ले जाएंगे तो ये छत तक चले जाएंगे, गेट आप इससे बना सकते हैं तो शो के लिए। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इसका रेट भी आता है, बहुत सारे कलर में क्लाइंबिंग आते हैं। तो मेरे पास तो 2 मैं ली थी रेड, और मुझे नर्सरी वालों ने रेड और पर्पल बोल के दिया था। देखिए इसके कली दम रेड लग रहे हैं, लेकिन जब दोनों खिला तो पर्पल ही हो गया। तो मेरे पास 2 पर्पल हैं, तो मैं इसमें वही केयर करती हूँ जो और सारे गुलाब में करती हूँ, और मैं इसे थोड़ा थोड़ा प्रून कर दी हूँ अभी इस मौसम में। तो नए नए ब्रांच निकले हैं और नए नए कलियाँ भी बनी हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसे भी प्रून करना होता है, हार्ड प्रून कभी भी इसे ना करें। हार्ड प्रून करेंगे तो आपका प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे ये सब प्रून किया है, तो इसके बगल से फिर निकल रहे हैं डाल। तो ज़्यादा इसे प्रून ना करें, कम से कम 5 फीट तो इसे रखें ही, 5 फीट 6 फीट। तो ये आप इसकी जो मिट्टी है, वो मिट्टी जैसे और गुलाब की होती है, उसी तरह से इसकी भी मिट्टी होती है। इसकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, और खाद में वही बर्मी कंपोस्ट और काउडंक दें, बर्मी कंपोस्ट दें, नीम खली दें, सरसों खली दें, यही सब मैं देती हूँ इसमें। ऑर्गेनिक ही मैं देती हूँ, तो इसमें भी मैं ऑर्गेनिक जो और गुलाब में देती हूँ, मैं वही इसमें भी देती हूँ। और देखें कितने सारे फ्लावर इसमें आए हुए हैं अभी। तो आप लोग भी इसे लगाएं, ये क्लाइंबिंग रोज है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा, जाड़े में खिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जाड़े में नहीं खिलते हैं, लेकिन अभी जैसे गर्मी में आपके जो और गुलाब हैं वो कम खिलते हैं, लेकिन ये अच्छे बंच में खिलते हैं। मैंने तो अभी इसे प्रून किया है, इसलिए ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, लेकिन देखें कलियाँ बन रही है, देखें कलियाँ बन रही है। तो आप लोग भी इसे लगाएं, और केयर वही है जो और गुलाब की है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।